अब कहीं न कहीं पैसा वापिस लेके वो अपना इंतजाम करेंगी और ये परिवार पैसा के लिए किसी सीमा तक जाने वाले लोग हैं। अगर पैसा का पकड़ नहीं होता, पैसा के लिए इतना ललायत नहीं होते तो उनके जो अब्बा जान हैं वो जेल में इसी आरोप में हैं। इसलिए ये परिवार का काम ही है पैसा कलेक्ट करना, लोगों को अपमानित करना, सामाजिक न्याय के नाम पर पारिवारिक न्याय करना और बिहार भर के लोगों को अपमानित करना। और एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि ये परिवार लोटा दिखा के बटलोही गायब करने वाला है। ये पहले लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पैसा, चुनाव हार गई क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का नेतृत्व इतना प्रभावशाली इस देश में है कि इनके 15 करोड़ और 10 करोड़ रुपया कोई महत्व नहीं रखता है, नहीं करेगी। नवल जी, जैसे कि जिला जो योजना कल्याण पदाधिकारी हुआ, उनका कहना है जो काफी हम लोग का समय वेस्ट हुआ उसका डीपीआर बनाने में, फिर अचानक से ऐसा हो जाना, ये कहीं ना कहीं मतलब एक यू कहेंगे जो सरकारी वर्कर का शोषण हो जाता है। नहीं नहीं, जिला योजना पदाधिकारी भी तो इस फेर में होंगे कि उनका भी कमीशन चला गया। वो कोई बढ़िया आदमी नहीं है, बढ़िया जगह नहीं, ये सब चोरे के जमात है, यही काम करने के लिए वहां है। सवाल उनका कमीशन चल गया इसलिए उनको छाती फट रहा है, या मीसा भारती का कमीशन नहीं मिला था इसके लिए छाती, दो कमीशन खोरों की बात है। इसलिए यह मैं नहीं कहूंगा कि योजना पदाधिकारी बहुत दूध के धोए हुए हैं। इतना बड़ा घुसखोरी बिहार में योजना में, जितना घुसखोरी और जो योजना में जो कमीशन लिए जा रहे हैं वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा।